हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास नर्मदा सोन घाटी में, जो कि हम मध्य प्रदेश के बिस्तर जीके में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी। उससे पहले हम देखते हैं कि नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में हम देखते हैं तो मालवा और बुंदेलखंड का पठार को देखते हैं, तथा दक्षिण में हम देखते हैं तो सतपुड़ा और मेकाल की पर्वत श्रेणिया में देखने को मिलती है। तो मालवा और बुंदेलखंड के पठार उत्तर पूर्व में तथा दक्षिण में सतपुड़ा और मेकाल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। नर्मदा सोन घाटी यदि क्षेत्रफल की बात करें हम तो मध्य प्रदेश का लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल नर्मदा सोन घाटी कवर करती है, लगभग 26% भाग। और भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली या ब्रश घाटी हम इसे कह सकते हैं। हम देखते हैं कि नर्मदा की घाटी अत्यधिक चौड़ी है जबकि सोन नदी की घाटी थोड़ी संकरी है। हम नर्मदा घाटी की बात करते हैं तो 40 से 120 किलोमीटर तक चौड़ी मिलेगी, मतलब कहीं कहीं नर्मदा घाटी 40 किलोमीटर के क्षेत्र में ही फैली हुई है, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं तो 120 किलोमीटर तक भी हमें फैली हुई मिलती है। सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी की घाटी हमें 20 से 40 किलोमीटर के क्षेत्र में ही फैली हुई मिलेगी, मतलब सोन नदी का जो क्षेत्र है वो 40 किलोमीटर से ज्यादा और फैला हुआ नहीं मिलेगा, कम से कम हो सकता है लेकिन अधिक से अधिक 40 किलोमीटर ही हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक नर्मदा सोन घाटी। तो इसको भी हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। मैं सिर्फ यहाँ मुख्य मुख्य पॉइंट लिख रहा हूँ, उनको वापस मैं डिस्क्राइब कर दूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर। या हम ये कह सकते हैं टोटल का 26% भाग। उसके बाद अवस्थिति की बात करते हैं हम तो उत्तर पूर्व में हम देखते हैं उत्तर में मुख्य रूप से मालवा का पठार की बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार। क्षेत्रफल की बात हो गई, अवस्थिति की बात हो गई, उसके बाद हम देखते हैं कि यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली। क्या हम कह सकते हैं ब्रंच घाटी। क्षेत्रफल ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यह प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है। प्रदेश का अन्न भंडार भी हम इसे कैसे कहते हैं। और अन्न भंडार इसलिए कहते हैं हम इसको प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। जब वो दक्कन टाइप की चट्टान यहाँ पाई जाती है जिनके टूटने से विखंडन से जो मिट्टी बनती है काली मिट्टी बनती है, और काली मिट्टी के अंदर मुख्य रूप से अपन गेहूं चावल और दलहन फसलों का उत्पादन करते हैं तो अच्छा उत्पादन होता है। तो प्रदेश का अन्न भंडार मुख्य फसल देखते हैं हम गेहूं चावल दलहन। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य फसलों में हम जौ को देखते हैं, सरसों को देख सकते हैं, कपास को देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है और कुछ क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, और दलहन का उत्पादन तो लगभग मध्य प्रदेश के सभी भागों में होता ही है।
ठीक है, उसके बाद जिले देखते हैं हम, मुख्य जिले तो अनूपपुर, जितने भी पुर है वो सारे पुर तो इसमें आएंगे ही सही, चार पांच, जबलपुर, मंडला, उसके बाद डिंडोरी, नरसिंहपुर, देवास और सीहोर जिले की तहसील भी इसमें आती है। ठीक है, मुख्य मुख्य जिले तो ये हो गए इसके। हम देखते हैं और भी, तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये मुख्य जिले इसके हो गए हैं। ठीक है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी हो गए हैं। और यहाँ वर्षा की मात्रा की हम बात करते हैं, बरसात की, तो लगभग औसत वर्षा की बात करते हैं 70 से 140 सेंटीमीटर तक। मैं औसत वर्षा की बात कर रहा हूँ, जो लगभग 70 से 140 सेंटीमीटर तक है। हम देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा, लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। इसकी बात करें हम तो कहेंगे 57.5 से लेकर के 142.5 सेंटीमीटर तक हमको वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन औसत वर्षा की अगर हम बात करते हैं 70 से 140 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बरसात होती है। और हाँ, ये जो बरसात होती है ये अरब सागर से आने वाले मानसून से न होकर बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। जो हम देख रहे हैं नर्मदा सोन घाटी में, तो ये बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा होती है। तो एक भी मुख्य पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। तापमान की हम बात करते हैं तो अधिकतम औसत तापमान, अधिकतम औसत तापमान मई में हमें देखने को मिलेगा, अप्रैल, मई, या मई महीना। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम की अगर बात करते हैं हम तो दिसंबर। ठीक है, अधिकतम औसत तापमान की बात करते हैं तो मई में, और न्यूनतम की बात करते हैं तो दिसंबर में ये देखने को मिलता है। यदि हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्य नदी नर्मदा और सोन है। ठीक है, तो नदियां तो वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है, नर्मदा और सोन, और भी नदियां हैं, लेकिन हम इनको इस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं तो मुख्य नदियां हम देख रहे हैं, मतलब हर टॉपिक में मुख्य नदियों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुख्य नदियां हैं दो, नर्मदा और सोन। लगभग संपूर्ण प्रदेश, या हम कह सकते संपूर्ण नर्मदा सोन घाटी, इसमें सघन वन पाए जाते हैं। और इसके प्रमुख शहर वो तो अभी जीरो से पता चल रहा होगा कि कौन कौन से जीरो में कौन कौन से मुख्य मुख्य शहर है। होशंगाबाद, होशंगाबाद, जबलपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर,
और पिपरिया एक तहसील है, जिला नहीं है। ठीक है, बाकी तो और हम जानते हैं ये खंडवा खरगोन जो अभी विकसित हो रहे हैं नगर के रूप में, इसमें सारी चीजें हो गई है। और क्या बच रहा है? हाँ, खनिज की बात कर लेते हैं। खनिज में हम देखते हैं यहाँ पर कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं संगमरमर का पत्थर मिल जाएगा हमको। कोयला, संगमरमर, मैंगनीज, चूना, ये तो मैं भी बोल ही गया था। चूना पत्थर है ना, है चूना। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत मुख्य मुख्य चीजें क्या है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर या संपूर्ण मध्य प्रदेश का 36% भाग। और स्थिति उत्तर में हम देखते हैं मालवा का पठार, उत्तर पूर्व में हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद रिफ्ट वैली, रैम वैली या ब्लॉक पर्वत, हॉस्ट पर्वत क्या होता है, ये हम ज्योग्राफी की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी तो लगभग सभी जानते ही हैं कि कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है। प्रदेश का क्या, अगर हम देखते हैं तो देश का, भारत का सबसे निचला भूभाग ही नर्मदा सोन घाटी है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद देखते हैं प्रदेश का अन्न भंडार इसलिए कहते हैं अन्न भंडार, क्योंकि यहाँ पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है। और दक्कन ट्रैप की चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी निकलती है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी में हम देखते हैं कि धान या अन्न का, गेहूं का उत्पादन सर्वोत्तम होता है। और यहाँ पर पानी की भी पर्याप्तता है, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र घाटी है, नदियों है जिनमें वर्ष भर लगभग पानी रहता है। मुख्य फसल गेहूं, चावल, दलहन हम जानते ही हैं। बाकी हम यहाँ देखते ही हैं कि कपास, सरसों, तिलहन वगैरह फसलें भी यहाँ पर हो जाती है। उसका जिले हैं तो जिले बहुत सारे हैं, क्योंकि यह लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर, 26%, और यह पूरे मतलब उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है घाटी। तो इसमें हम देख उत्तर से दक्षिण, सॉरी पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई घाटी है। तो हम देखते हैं कि इसमें अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, देवास, सीहोर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, लगभग ये सभी जिले इसमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक लंबी पट्टी है, लगभग इस प्रकार से बनी हुई। तो उस हिसाब से सभी जिले लगभग इसमें, बहुत सारे जिले इसको टच करते हैं। बरसात की हम बात करते हैं तो लगभग 75 से 140 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, 56.5 से या 57.5 से लेकर के 142.5 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन औसत वर्षा की बात करते हैं तो मोटे तौर पर 70 से 140 सेंटीमीटर तक हम बरसात यहाँ देखते हैं, और ये भी बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। उसके बाद देखते हैं हम मुख्य नदी, आप जन जानते हैं नर्मदा और सोन है। और अधिकतम औसत तापमान हम देखते हैं मई में रहता है, और न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है। इसमें हम 31.5 डिग्री से लगभग 34 या 35.5 डिग्री तक देखेंगे न्यूनतम और अधिकतम तापमान। उसके बाद मुख्य नदी हो गई, ये प्रमुख शहर हम देख लिया, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, देवास और पिपरिया एक तहसील है, वो भी मुख्य नगर के रूप में माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं खंडवा खरगोन जो विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रमुख नगर हैं, जो लगभग जो जो जिले इसको टच करते हैं उनके प्रमुख नगरों को अपन जानते हैं। ठीक है, तो खनिज की हमने बात कर ली, कोयला, संगमरमर, मैंगनीज, चूना पत्थर यहाँ पर मिलता है। लगभग नर्मदा सोन घाटी के जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे, जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे, वो सारे हमने देख लिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है।